Hello, class 3 children. How are you? Today I will teach you NCERT EVS class 3 chapter 14, the story of food. Children, इस pictures में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो families के बारे में बताया गया है. एक तो है first Venu's family और second है Rani's family, जो कि आप previous video में पढ़ चुके हैं, है ना? फिर भी मैं इसको बता रही हूँ. इसमें दोनों के families में दोनों ही फैमिली मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि विनोज के फैमिली में सब कॉपरेट करके करके काम कर रहे हैं और रानीज के फैमिली में कुछ लेडीज ही वर्क कर रही है और फादर बैठे हुए हैं, है ना? ऐसा इस पिक्चर्स में दिख रहा है. ठीक है चिल्ड्रन, तो मेरा आज टॉपिक है आपको ये बताना कि फैमिली में जो हमको बताना है आपको वो है जेंडर रोल्स इन फैमिली. ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो या तो सिर्फ मम्मी करती है या तो सिर्फ पापा करते हैं, और कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो दोनों मिलकर करते हैं. ठीक है, जैसे कि देख लो कुछ वर्क ऐसे ऐसे, खाना बनाना. खाना बनाना तो मम्मा को ही आता है, पापा लोग बहुत कम ही खाना बनाते हैं. ठीक है, जनरल घर में देखोगे कि मम्मी ही खाना बनाती है, पापा नहीं खाना बनाते. उनको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपना बहुत सारा वर्क रहता है. हाँ, तो ऐसे ये काम है कि ये काम सिर्फ मम्मी ही कर सकती है, फीमेल ही कर सकती है, ये फादर नहीं कर सकते हैं, है ना? कुछ काम ऐसे है कि जो दोनों मिलकर कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपको फिलिंग वाटर, या ये तो मम्मी भी भर सकती है पानी, पापा भी भर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं. उसके बाद बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, ये मार्केट से कुछ थिंग्स लाना है तो ये पापा भी ला सकते हैं या मम्मी भी ला सकती है. इसमें क्या है कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, है ना? तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है. इसमें कुछ वर्क दिए गए हैं. इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज बीन मेंशन्ड. फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फ्रेंड्स हाउस. यू कैन ऐड सम अदर वर्क्स आल्सो टू द लिस्ट. यहाँ कुछ वर्क दिए हुए हैं, कुकिंग फूड, बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, स्वीपिंग, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, फिलिंग वाटर. हु डज द वर्क इन योर हाउस इन योर फ्रेंड हाउस. तो आपको ये बताना है ये वर्क जो है कौन आपके घर में करेंगे और कौन आपके फ्रेंड्स के घर में करेंगे. ठीक है, या तो पापा करेंगे तो पापा का नाम लिखिएगा, मम्मी करेगी तो मम्मी का नाम, और दोनों करेंगे तो दोनों का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, और इसमें वर्क में भी आपको कुछ ऐड करना है कि यहाँ पर आप कौन सा वर्क आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना? तो ये आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डाल सकते हो कौन सा वर्क कर सकते हो. गोइंग टू ऑफिस, ये वर्क यहाँ पर डाल सकते हो यहाँ पर. ठीक है, वर्क वाले में. और मैं एक बात बताना चाहूंगी, ये सारी बातें मैं जो बताई हूँ उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब कौन सा वर्क है, दिस इज कॉल्ड जेंडर बाइजम. जेंडर बाइजम है ये. ठीक है, दिस इज कॉल्ड जेंडर बाइजम व्हेन अ टाइप ऑफ वर्क इज लेट टू बी डन बाय ओनली वन जेंडर ओनली, है ना? या तो ये ऐसा काम या तो वो मम्मी ही सिर्फ कर सकती है या तो वो पापा ही सिर्फ कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जेंडर बाइजम. ठीक है, तो इस चैप्टर में मुझे ये लगा कि आपको मैं बताऊं कि कौन से काम किसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं और कौन से काम किसके लिए इंपॉर्टेंस रखे जाते हैं, है ना? तो आपको ये वर्क कंप्लीट करके रखना है और इसको बुक से, नोटबुक में इसको आपको क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व कर रखना है. ओके चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय.